हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों. आज हम एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 1 HR सम करने जा रहे हैं. ये क्वेश्चंस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड है. फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इफ x इज अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड a एंड b आर टू इंटीजर्स, देन x रेस टू a इंटू x रेस टू b इज इक्वल टू x रेस टू a प्लस b. मतलब अगर x एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है, मतलब यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए, ये जो हमारा बेस है यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए, और a और b अगर इंटीजर्स है, इंटीजर्स मतलब नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, तब उसका आंसर होगा x रेस टू पावर्स को ऐड करना है. अगर इधर मल्टीप्लीकेशन है तो पावर्स को ऐड करना है. इस बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, 4 बाई 5 रेस टू 5 इंटू 4 बाई 5 रेस टू 4, मतलब यहाँ x जो है वो क्या है बच्चों? 4 बाई 5, ठीक है. यहाँ जो x है वो क्या है? 4 बाई 5, और दोनों सेम है, जैसे यहाँ सेम है, तो अगर बेस सेम है तो हमारा आंसर क्या होगा? x रेस टू a प्लस बी. अभी a की जगह पे इधर क्या है? 5, फिर प्लस की जगह पे प्लस, और b के जगह पे इधर क्या है बच्चों? 4. सो आवर आंसर इज 4 बाय 5 टू द पावर 9. ठीक है, नेक्स्ट सम. यहाँ बेस सेम है, जैसे यहाँ सेम है, तो और मल्टीप्लीकेशन है. मल्टीप्लीकेशन मतलब हमें पावर्स को क्या करना है? ऐड करना है, a प्लस बी. लेकिन अब यहाँ a की जगह पे यहाँ पावर क्या है? -6. तो हम -6 पहले लिखेंगे, फिर क्या आ रहा है? प्लस. फिर b की जगह पे क्या लिखेंगे? -4. अब 4 के आगे दो साइन है, इसीलिए हम ब्रैकेट से उन्हें डिफरेंशिएट करेंगे. अब हमें पावर को सॉल्व करना है. 3 बाई 4 -6 उसी तरह लिखना है. अब 4 के आगे दो साइन है तो हमें इसे एक साइन बनाना है, और इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन. सो प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस इज -4. और हमने इंटीजर्स में पढ़ा है 7th स्टैंडर्ड में, अगर दो माइनस साइन हो तो उसे ऐड करेंगे और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाएंगे. तो ये आपका आंसर है, लेकिन ये पीछे बैक आंसर यही है. लेकिन बच्चों, अगर आपको सिंप्लीफाई करना हो सम्स को, तब हम नेगेटिव पावर से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तब इस पावर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा. इसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है बच्चों? इंटरचेंज करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. तो इसे हम 4 बाई 3 टू द पावर 10 भी लिख सकते हैं. मतलब अगर नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है, इंटरचेंज द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ठीक है, नेक्स्ट हम की तरफ चलते हैं. अब यहाँ भी x रेस टू a इंटू x रेस टू b, विच इज x रेस टू a प्लस बी. a की जगह पे है 7, फिर प्लस, और b की जगह है -4. सो अभी पावर की जगह को सॉल्व करेंगे, 7 को वैसे ही लिखेंगे. अब ये भी तो दो साइन है, इसे एक साइन बनाना है. प्लस इंटू माइनस, -4. ये -2/3 जो हमारा बेस है वैसे ही रहेगा, एंड 7 - 4 = 3. सो दिस इज योर आंसर. 7/8 रेस टू -3 इंटू 7/8 रेस टू -4. सो यहाँ भी x सेम है, तो x को वैसे ही लिखेंगे. a के जगह पे है -3, x रेस टू a प्लस b. b क्या है? -4. सो 7/8 -3 प्लस इंटू माइनस, -4. अब ये इस सम के जैसे हो गया, दोनों माइनस साइन. दोनों माइनस साइन मतलब क्या करना है? एडिशन और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. सो एडिशन करेंगे तो 4 + 3 = 7 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस. अब यही आपका बैक आंसर है. लेकिन बच्चों, अगर आपको नेगेटिव पावर है तो इससे सम्स को सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता. तो जब सिंप्लीफिकेशन सम्स आएंगे तो हम इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव दिखाने के लिए इंटरचेंज करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की
जगह, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके बच्चों, आपके लिए इतना ही, बाय।